यातायात पुलिस ने वाहनों पर ब्लैक फिल्म और प्रेशर हॉर्न लगाए चालकों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत ऐसे चालकों से जुर्माना वसूल कर ब्लैक फिल्म को निकालकर प्रेशर हॉर्न को जब्त किया गया। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे दो पहिया और चौपहिया वाहन चालकों पर यातायात पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ साथ दो पहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साइलेंसरों को जब्त किया जा रहा है। यातायात पुलिस के DSP सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस के निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के द्वारा यातायात जोन के सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस अपने पास मौजूद संसाधनों के माध्यम से निर्धारित गति से तेज रफ्तार में जा रहे वाहन चालकों का पीछा कर उनसे जुर्माना की राशि वसूले जाने के साथ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। अपील है, आम जनता से प्रार्थना करती है दुर्ग जिला पुलिस बल कि आप लोग ऐसे वाहन पे जो कंपनी का जो साइलेंसर लगा हुआ है, कंपनी लगा के देती है, उसमें सरकार की सहमति होती है, आप वही साइलेंसर लगवाएं। आप अन्यथा जो दूसरे प्रकार का आवाज़ देने वाला, आवाज़ करने वाला या फटाखा फोड़ने वाला, आपसे अपील है कि आप ऐसा साइलेंसर ना लगाएं। दोपहिया वाहन पे यात्रा करें, दोपहिया वाहन में हेलमेट लगा कर चलें। दोपहिया वाहन सिर्फ दो लोगों की होता है, सिर्फ दो लोगों की सवारी करें। दोपहिया वाहन पे तीन व्यक्ति बैठ कर सवारी ना करें, हेलमेट लगा कर चलें। ये भाई साहब देखिए, आप ये मॉडिफाइड साइलेंसर में गाड़ी चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? इसी के साथ साथ चौपहिया वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म को निकालने की भी कार्रवाई करी जा रही है। नेशनल हाईवे में यातायात पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है। इसके साथ साथ वाहनों के समस्त दस्तावेजों की भी जांच करी जा रही है। दो पहिया वाहनों में तीन सवारी बैठाकर चल रहे चालकों से भी जुर्माना वसूल कर सख्त समझाइश दी जा रही है। तेज गति से चल रहे वाहनों की स्पीड राडार के माध्यम से जाँच कर पीछा किया जा रहा है। वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन कराने यातायात पुलिस ने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।